हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में विकास इंग्लिश एकेडमी में। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की एक और पोयम जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन, यानी कि बारिश की आवाज़। यहाँ पे वॉइस का मतलब होता है संगीत, ओके। और यहाँ पे ये जो पोयम है नेल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है। और ये जो पोयम है स्पेशली इसके बारे में, एक जो रेन होती है उसके रिसाइकिल के बारे में बताया गया है, ओके। और यहाँ पे जो पोएट है वो बारिश से बात करते हैं। तो चलिए क्या बात करते हैं, हम पोएम में जान लेते हैं। और सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एंड हु आर दो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। तो यहाँ पर जो पोएट है नेल्ट विटमैन वो ये कहते हैं कि हु आर दो का मतलब होता है तुम या आप। वो बारिश से कहते हैं कि तुम कौन हो। सेट आई मतलब मैंने कहा टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, जब रेनिंग हो रही थी, ठीक है, उस समय उन्होंने बारिश से पूछा कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल, ठीक है, सो जिससे बात करना या बोलना बड़ा ही अजीब था क्योंकि जनरली अब बारिश कोई आंसर तो देगी नहीं, लेकिन उनके लिए जो बारिश थी उन्होंने आंसर दिया है। तो उन्होंने कहा है गिव मी एन आंसर, बारिश ने उनको एक आंसर दिया और हेयर ट्रांसलेटेड, जो उन्होंने यहाँ पे पोएम में ट्रांसलेट किया है। तो बारिश ने क्या कहा चलिए जान लेते हैं। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। तो जो रेन है उसकी वॉइस ने क्या कहा कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं क्या हूँ, मैं इस धरती की पोएम हूँ, एक कविता हूँ यानी एक संगीत हूँ, ठीक है। इटर्नल आई राइज इम्पेलेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। और यहाँ पर कहा गया है इटर्नल आई राइज। इटर्नल मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, इटर्नल मतलब होता है सदा या हमेशा। तो हमेशा मैं क्या करती हूँ, आई राइज, मैं उठती हूँ कहाँ से, इम्पेलेबल। अब यहाँ पर देखिए इम्पेलेबल का मतलब जान लेते हैं। इम्पेलेबल का मतलब होता है अनछुआ, समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, जिसको हम छू नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि बारिश क्या है, बारिश ऐसी चीज है, बारिश की बूंदों को, ड्रॉपलेट्स को हम कभी कैसे नहीं छू सकते। एंड आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। और ये कहाँ से उठती है बारिश, ये या तो जमीन से उठती है, जमीन के अंदर से उठती है, ठीक है, आउट ऑफ द लैंड, या बॉटमलेस सी जो समुद्र होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, उसके अंदर से, बॉटम से ये उठती है ऊपर की तरफ, ओके। चलिए अब हम अगली लाइन की तरफ चलते हैं। अपवर्ड टू हेवन वेंस वेगली फॉर्म्ड ऑल टूगेदर। अपवर्ड टू हेवन यानी कि अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर उठना। तो बारिश कहते हैं मैं ऊपर उठती हूँ। हेवन, हेवन का मतलब तो जानते ही होंगे, हेवन मतलब होता है एक स्वर्ग, मैं स्वर्ग की तरफ जाती हूँ मतलब ऊपर जाती हूँ। वेंस वेगली फॉर्म्ड, जहाँ पर मैं क्या करती हूँ, जहाँ से मैं बनती हूँ, वेगली मतलब थोड़ी सी, ठीक है, फॉर्म्ड का मतलब होता है मैं बनती हूँ, ओके। ऑल टुगेदर चेंज, और मैं चेंज हो जाती हूँ, मतलब जो बारिश की बूंदें हैं वो किस में बदल जाती हैं, वो बादलों में बदल जाती हैं। एंड येट द सेम फिर भी मैं क्या रहती हूँ, मैं वहीं की वहीं रहती हूँ, सेम रहती हूँ। एंड आई डिसेंड टू ले द ड्रॉट एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। आई डिसेंड टू ले द ड्रॉट, डिसेंड का मतलब क्या होता है, तो वॉश, मैं क्या करती हूँ कि मैं जो सूखे पड़े होते हैं, डिसेंट का मतलब यहाँ पे होता है गिरना, तो जो चीज़ सूखी पड़ी रहती है ज़मीन में, एटोमीज डस्ट लेयर्स, जो पूरे पृथ्वी के अंदर डस्ट लेयर्स है, छोटे छोटे कण हैं ग्लोब में, ओके, और उन पर मैं धीरे से उसको वॉश कर देती हूँ। यहाँ जो लेव है, लेव का मतलब क्या होता है, लेव का मतलब होता है वॉश या धोना। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जब नीचे गिरती हूँ तो जो जितना सूखापन है, ठीक है, वो सारा मैं साफ कर देती हूँ, ओके। और अब इसके नेक्स्ट लाइन पे हम आते हैं। एंड फॉर एवर बाय डे एट नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन। अब यहाँ पे इस लाइन को समझिए फ्रेंड्स, एंड फॉर एवर मतलब और हमेशा, बाय डे एंड नाइट, चाहे दिन हो और चाहे रात हो, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं अपने जीवन को,
ठीक है, मैं अपने जीवन को क्या करती हूँ, मैं अपने जीवन को एक नई लाइफ प्रदान करती हूँ, माई ओन ओरिजिन, जिसमें मेरा खुद का क्या है, एक ओरिजिन है। जैसे बारिश है, तो बारिश को क्या होता है, बारिश पूरी हमारे वायुमंडल में एक एवोपोरेशन के रूप में रिसाइकल्ड होती है, यानी कि जो बारिश गिरती है और धूप में वापस वो एवोपोरेट होकर बादलों में चले जाते हैं और वो बादल हमारे बन जाते हैं। तो रेन क्या कर रही है, मैं वापस अपने नए जीवन में आ जाती हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर एक रिसाइकलिंग की बात हो रही है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, और उससे क्या होता है, मैं हर चीज़ को जब मैं गिरती हूँ तो मैं हर चीज़ को शुद्ध कर देती हूँ, है ना। जैसे हमें पता है कि अगर बारिश वगैरह जब होती है तो हर चीज़ कैसी हरियाली सी छा जाती है और हर चीज़ कितनी सुंदर दिखाई देती है, और मैं हर चीज़ को सुंदर के रूप में बदल देती हूँ। ओके, तो ये जो चीज़ थी, ये जो बात थी, ये रेनिंग ने पोएट से कही थी। ओके, अब यहाँ पर पोएट क्या कर रहा है, वो एक मन ही मन में उस चीज़ को फील कर रहा है, एक सॉन्ग के रूप में उसको फील कर रहा है। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, और ये सॉन्ग उसके मन से निकलता है, ठीक है, बर्थ प्लेस से निकलता है। आफ्टर फुलफिलमेंट एंड वॉन्डरिंग, जब वो संतुष्ट हो जाता है, या फुलफिलमेंट का मतलब उसको जब संतुष्टि मिल जाती है, ठीक है, घूमते हुए वॉन्डरिंग करते हुए, रैक्ट और अनरैक्ट ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, यानी चाहे उसको कोई सुने या ना सुने, ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि वापस जो प्रेम है उस रूप में वो गिरता है, बरसता है। ओके, तो ये थी हमारी द वॉइस ऑफ द रेन की पोएम। ओके, आई होप आपने इस पोएम को बड़े अच्छे से समझा होगा, और इसको लेकर अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, अब हम इसकी कुछ मीनिंग्स आपको बता देते हैं, ठीक है, जो कि नीचे की तरफ है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हमारी फर्स्ट मीनिंग लिखी हुई है इम्पेलेबल। इम्पेलेबल, जैसा कि मैंने पोएम में आपको बताया था, समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, ऐसी चीज़ जिसको हम छू नहीं सकते। ओके, सेकेंड मीनिंग हमारी लेव। लेव का मतलब क्या होता है, वॉश, यानी धोना। ओके, नेक्स्ट है एटोमीज। एटोमीज मतलब होते हैं टाइनी पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, जो धूल के कण होते हैं, उनको भी बारिश क्या कर देती है, साफ कर देती है। और नेक्स्ट हमारा वर्ड है लेटेंट। लेटेंट का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ, हिडन। ओके, तो ये कुछ टर्म्स भी आपको याद रखने हैं, और यहाँ पर हमारी पोएम समाप्त होती है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने इस पोएम को ज़रूर एंजॉय किया होगा। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।